नशिस्तें अटेंड आपने फरमाईं, एक से बढ़कर एक आलिम आपने समात किया। इतने संगीन हालात में इंतज़ामिया ने हस्ब रिवायत इस प्रोग्राम को मैनेज किया। अल्लाह पाक बानियान को हैदरी लंगर से माला माल फरमाए और हाजरीन को अल्लाह पाक, बल्कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। हज़रत शाह साहब गिलानी सादात के जंक्शन के एग्जेक्टिव तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह शाह जी किबला को सेहत और सलामती वाली उम्र खिज़र अता फरमाए। अपने मसलक का जो भी वाइज और आलिम मिंबर पर आए, सुन्नी है ना, बस सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। लेकिन जितनी भी नशिस्त आपने अटेंड फरमाई, उसमें से सबसे नलायक, सबसे निकम्मा, सबसे कम पढ़ा लिखा मैं आप सब की खिदमत आलिया में हाजिर हूँ। सूरह हूद से बात का आगाज कर रहा हूँ। 11वां सूरह है कुरान हकीम का, जिस आयत मुकद्दसा से सहारा ले रहा हूँ 120 नंबर आयत है। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्लन नकुसु अलैका मिन अम्बाइर रसूल। इरशाद होता है, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी, हम जो आपके साथ रसूलों के किस्से बयान कर रहे हैं, नहीं, मैं आपकी कंप्लीट तवज्जो का तालिब हूँ। भाई बेटा, ओए शेर बच्चे, नौजवान, अटेंशन हो, दोबारा समात करें। इरशाद होता है, वकुल्लन नकुसु अलैका मिन अम्बाइर रसूल। मुहम्मद जी, हम आपके साथ ये जो रसूलों के किस्से बयान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आसान कर लेते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, हबीब मैं आपके साथ आदम की जो बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ मैं इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह आपके साथ नूह की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे बरगजीदा लोग हैं, अम्बिया हैं, रसूल हैं। ज़माने ने इनकी इज्जत नहीं की, पर इन्होंने मेरे साथ वफा में कमी नहीं की। ये जो किस्से मैं आपको, मैं अल्लाह आपको ये किस्से बयान कर रहा हूँ ना, कि लोगों ने इनकी तकजीब में कमी नहीं की, इन्होंने तबलीग में कमी नहीं की, लोगों ने इनकी तोहीन में कमी नहीं की, पर इन्होंने इबादत में कमी नहीं की। भाई छोटी बात है कि एक बरगजीदा खातून के मुंह पे जमाना कह दे, या उख्ता हारूना मा काना अबू की मरासाऊ व मा कानत उम्मू की बगिया, ये मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद बादशाह, ये जो मैं आपको किस्से, मैं अल्लाह आपके साथ किस्से बयान कर रहा हूँ, मा नुसब्बितु बिही फुआदा का, कयामत तक जो भी इन किस्सों को समात करेंगे उनके कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। आप ठंडा बोले हैं, लेकिन पता चला कि नबियों के किस्सों से, वाकयात से, जिक्र से कमजोर दिलों को ताकत मिलती है। अच्छा, परवरदिगार फिर फरमाया, वजा अकफी हाजिहिल हकू। मोहम्मद जी, यही तो वो किस्से हैं जिनके वसीले से बंदों तक हक पहुंचता है। अगर नबुवत हक है तो नबियों के जिक्र से पहुंचती है, अगर तौहीद हक है तो नबियों के जिक्र से पहुंचती है।
अगर विलायत हक है, तसव्वुफ हक है, तो ये नबियों के किस्सों से पहुंचता है। आखरत हक है तो ये अंबिया के किस्सों से पहुंचता है। फरमाया व मौइज़तुन, यही तो वाज़ है। नहीं देखें, दुनिया कहती रहे कि फलाना बड़ा कमाल वाइज है, उसका कमाल वाज है, अल्लाह फरमा रहा है ना मेरा सोना जिसमें मेरे महबूबों का जिक्र ना हो उसे वाज नहीं कहते, वाज वही है जिसमें मेरे महबूबों का जिक्र आ जाए। नहीं मजा आया आपका? मैं जानता हूं आप 8 बजे के बैठे होंगे, आप थक गए होंगे, लेकिन मेरा सफर देखें, मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, वो जिसमें महबूबों का जिक्र ना हो अल्लाह कहते हैं उसे वाज नहीं कहते। नसीहत है नबियों का जिक्र, नबियों के जिक्र में नसीहत है। व जिक्रा, और ये याद दहानी है, अगर सिरात मुस्तकीम को भूल गए हो तो नबियों का जिक्र छेड़ लो, भूला हुआ सिरात मुस्तकीम याद आ जाएगा। ये फैजान है नबियों के जिक्र का। आपका चेहरा मुझे नजर आ रहा है थके हुए हैं, नींद पे गलबा है आपका, लेकिन बड़ी बात है बैठे हुए हैं। फरमाए व जिक्रा लिल मुमिनीन, देखो नबियों के जिक्र पे शक ना करना, बंदे मोमिन होने चाहिए। बंदे कौन से होने चाहिए? लो जी, आयत जनाब तक पहुंच गई है कि आदम से लेकर ईसा तक के बात करे ना उनकी तो दिल मजबूत होता है। अगर ईसा तक का जिक्र करें तो कमजोर दिल में ताकत आती है और हक नसीब होता है और नसीहत मिलती है और भूला हुआ सिरात मुस्तकीम मिलता है। ये फैजान है नबियों के जिक्र में। नहीं आगे, अब अगला जुमला नहीं मैं बोल सकता, फिर से कहना चाहता हूं, ये फैजान है नबियों के जिक्र में। नहीं पढ़ सकता अब, मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इतने ठंडे मजमे में अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा। ये फैजान है नबियों के जिक्र में। अल्लाह उम्र दराज करे, वो बुजुर्ग हैं, दाढ़ी वाले हैं, वो बात तक पहुंच चुके हैं और वो दाद दे रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार आगे ये जुमला आ रहा है। बस यही तो मैं चाहता हूं, अगर नबियों के जिक्र में ये फैजान है तो मोहम्मद के मेराज के जिक्र में क्या फैज होगा? इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हुजूर का मेराज जो है वो मतालिब का एक समंदर है। नहीं नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आसान लफ्ज दे देता हूं, मेराज मुस्तफा दुरूस की यूनिवर्सिटी है। नहीं मजा आया? फिर से कहना चाहता हूं, ये हुजूर का मेराज अशबाक ही अशबाक है। देखिए मैं अर्ज करता हूं, 63 बरस उम्र है हुजूर की, जारी उम्र पाक 63 बरस। मेराज सारी जिंदगी का वाकया नहीं है, मेराज हुजूर की सारी जिंदगी में 24 घंटे का भी वाकया नहीं है, दिन और रात का वाकया नहीं है, मेराज हुजूर की जिंदगी में सारी रात का वाकया भी नहीं है, आधी रात का भी नहीं है। ये जो लफ्ज है ना सुभान अल्लज़ी अशरा बिअब्दिही लैलन की तनवीन ये बताती है कि रात का तीसरा हिस्सा भी नहीं है। अगर उलामा मेरी ताईद फरमा दें तो मिनी मैक्सिमम ये कोई घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे का दुरानिया है मेराज का। जमीन, रूए जमीन के गोले पर जितना इल्म है वो गुंग हो गया है, टेक्नोलॉजी जाम है, साइंस हाथ दस्त बस्ता है, मंतिक रुक चुका है, फलसफे को समझ नहीं आ रहा, लिटरेचर गुम हो चुका है, जमीन के इल्म का जोर लग चुका है, जमाने की अकलों में मोहम्मद जी का 2 घंटे नहीं आ रहे। नहीं नहीं, अगला जुमला नहीं पढ़ा जा सकता।
नहीं मैं अगला जुमला आपसे उधार करता हूँ, छोड़ दें आप इसको। नहीं मैं फिर कहता हूँ, आप रहने दें यार। देखे मैं फिर कह रहा हूं, जमाना गुंग है, जमाने के इल्म में मुस्तफा के दो घंटे नहीं आ रहे। ओ शरीफ वालों, जिस अकल और इल्म में मुस्तफा के दो घंटे नहीं आ रहे, उस अकल में पूरे मोहम्मद कैसे आ जाएंगे? भाई जियो जी से समझ आ रही है बात। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको सेहत दे, आपके हाथ उठ गए, मेरा सीना तन गया इस बात पर। मेरे सरदारों, ये हुजूर का मेराज है, रात का सफर है नबी साईं का, वो भी रात का। अल्लाह की कसम, मैं फकत रात पर बात शुरू कर दूं तो दिन हो जाए। ये मैंने कसमन कह दिया है ना, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, सवारी जनती है। अब ये बात हजरात अहले तशी भी सुन रहे हैं कि मुस्तफा बादशाह जिस पर सवार हो वो सवारी जमती है। कुछ कह गया मैं, अल्लाह उम्र दराज करे आपको, आपको सलामती अता फरमाए। मुझे मजा आया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हुजूर जिस पर सवार हो वो सवारी जन्नती है। जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूं। मेरा 75% मजमा बात समझ चुका है, 25% मेरे दोस्त अभी पीछे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, दो सफर हैं मोहम्मद बादशाह के, एक सफर हिजरत का है, एक सफर मेराज का है। मेराज वाली सवारी को जंती मानते हो तो हिजरत में जिस पर सवार हुए अबू बकर को जंती क्यों नहीं? भाई बोलो जिसे समझ आई। अल्लाह आपको सलामत रखे, दारैन की सलातें अल्लाह आपको अता। देखिए मैं अर्थ करना चाहता हूं, ये असबाक है भाई। मेराज सुनना नहीं होता, मेराज अगर तो कोई आलिम हो तो फिर समझना होता है, और अगर कोई फकीर आ जाए तो फिर करना पड़ जाता है। ठंडा बोले हो यार, मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं, मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, भाई दोनों सफरों में हम सफर साथ रहे हैं। एक हम सफर जिब्रील है, एक सिद्दीक है। मेराज वाला जिब्रील है, हिजरत वाला सिद्दीक है, लेकिन फर्क है ना, एक सवारी लेकर आ रहा है, एक सवारी बनकर आ रहा है। हाय बोलो जिसे समझ आई है। वाह मेरे सरदारों, कमाल मुल दे दिया आपने मुझे यार। मैं गुजरावाला तक आपके लिए दुआ गो रहूंगा, लेकिन मैं फिर एक दफा दोहराना चाहता हूं कि जो मेराज में हम सफर था ना, वो सैर का हम सफर था। जी वाह वाह जी वाह। शाह जी आप कभी नारायण आए, कागान जाए, रास्ते में मुझे कॉल करें ना, मैं आपके साथ सैर क्यों चलूंगा। आप कभी मरी जाए तो मुझे रास्ते में ले लें, मैं आपके साथ सैर को चलूंगा। आप कभी पेशावर की तरफ चक्कर लगे मुझे साथ ले ना, मैं आपके साथ सैर के लिए चलूंगा। लेकिन मुझे माफ करें, अगर हॉस्पिटल जाए तो मुझे फोन ना कीजिएगा। वाह बदबख्ता तेरी कैसी यारी है यार, ये क्या यारी हुई। अब मेरे सरदारों, मेरी आंख में आंख डालो, मेराज का हम सफर मोहम्मद बादशाह की सैर का हम सफर है। भाई अगला जुमला मैं सुबह ही पढ़ूंगा, आप रहने दो। फिर से कहना चाहता हूं, मेराज का सफर नबी साईं का, सैर का हम सफर है। अबू बकर मोहम्मद का मुसीबत का हम सफर है। जियो जी से समझ आ रही है बात। अगर आप सैर के हम सफर को सैयदुल मलाइका मानते हैं, लफ्ज आसान कर लेते हैं, अगर आप सैर के हम सफर को मलाइका का सरदार मानते हैं, मुसीबत के हम सफर को सहाबा का सरदार क्यों नहीं मानते? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे बात। नहीं मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ओ मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, भाई दोनों हम सफर है ना, सैर वाला आस्ताने पे आकर कदम चूमकर साथ लेके जाता है, जो आस्ताने पर लेने आए वो मेराज का हम सफर है, जिसके दहलीज पे मुस्तफा लेने जाए वो हिजरत का हम सफर है।
भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। नहीं ये तो बहरहाल बहरहाल अब मैं आपका मिजाज देख रहा हूं तो एक जुमला और पढ़ देता हूं फिर मैं किसी और मनज की तरफ जाना चाहता हूं। भाई जो सैर पर साथ चले उसे रास्ते में छोड़ दिया जाता है। भाई क्या कहने हैं आपके, मैं फिर दोहरा देता हूं, जो सैर पर साथ चले उसे रास्ते में छोड़ दिया जाता है, जो मुसीबत में साथ चले, मक्के में भी साथ, मदीने में भी साथ, हिजरत में भी साथ, गार में भी साथ, मिजार भाई क्या है, बंदे तो रोना शुरू हो गए भाई, अभी तो तकरीर नहीं शुरू की। मेराज मुस्तफा को बयान करने के लिए मैं आज आपके सामने सूरह आले इमरान को पढ़ना चाहता हूं। यह तीसरा सूरह है, मैं 81 नंबर आयत को लेना चाहता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई फाजिल नहीं हूं, मैं बड़ा नलायक सा बंदा हूं, आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज है, मेरी जितनी तालीम है इतने बंदे आपके उस शरीफ में बर्फ का फट्टा लगा के बैठे होंगे। अब मुझ जैसे ना अहल को ना लायक को कुरान हकीम के 6666 आयात में से 53 वर्सेस ऑफ द होली कुरान, 53 कुरान की आयतों में मुस्तफा का मेराज मिला जी, मुझे 53। मैं आलिम नहीं हूं, कोई बड़े आलिम आएंगे तो वो आपको इससे भी ज्यादा बता सकते हैं, 53 कुरान की आयतें। अच्छा मैं उसमें से सूरह आल इमरान तीसरा सूरह है और 81 नंबर आयत को ले रहा हूं। मानूस हैं आप इस आयत से, जानते हैं, सुनी है, हजारों दफा आपने इसको समाप्त किया होगा, लेकिन शायद मेराज पर आपका पहला इत्तफाक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीना, मोहम्मद जी आपको याद है, कोई बात नहीं मैं आराम से तर्जमा कर लेता हूं, वा का माना है और, इज का माना है मोहम्मद जी आपको याद है, तो फिर मैंने ठीक ही पढ़ा था ना, अखज़ अल्लाहु मीसाक़न नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमती, मोहम्मद जी मैं अल्लाह ने आलम अरवा में एक जलसा किया था, एक कॉन्फ्रेंस इनकाद की थी, तो सारे नबियों को इकट्ठा किया था, कोई गैर नबी नहीं था उसमें, आलम अरवा में नबियों की रूहों को इकट्ठा किया था, आपको तो याद है ना, खुदा कॉन्फ्रेंस कर रहा था, नबियों की रूहें थी, आप मसनद सदारत पे, आप पे तो याद है, आए हाय इंडिया में मेरे पीर ने बैठकर इस आयत का तर्जमा बड़ा कमाल किया, कहने लगे खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुशरो, मोहम्मद शमे मोहम्मद शमे मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदुम, आपको तो याद है। तो मैं अल्लाह ने अंबिया से फरमाया कि सारे नबी सुनो मेरे साथ वादा करो कि जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत अता फरमा लूं, सुम्मा उसके बाद फिर जा अकुम रसूलुन, ये मेरा इज्जत वाला रसूल उसके बाद आएंगे, बाद में जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत अता फरमा लूंगा तो बाद में मेरे महबूब आएंगे। देखें ये होती है ना अहली और ना लायकी कि बंदा इतनी बड़ी बात कर जाए और किसी के पल्ले कख ना पड़े। एक दफा मैं फिर दोहराता हूं, शायद आप मेरा साथ दे दें, अल्लाह अंबिया से फरमा रहा है कि जब मैं अल्लाह तुम्हें किताबो हिकमत दे लूंगा तो मुस्तफा को बाद में भेजूंगा। पता चला अल्लाह ने अभी पहला नबी भेजा नहीं, आखिरी का फैसला पहले दे रहा है। भाई जियो जी से समझ आई है बात, इसी को खत्म नबुवत कहते हैं, जो अल्लाह के बनाए हुए थे वो वहां मौजूद थे, अब उनके बाद किसी काने की गुंजाइश नहीं थी। जिसे समझ आ गई वो चुप कैसे बैठा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह उम्र दराज करे, ठीक है अब आगे चलते हैं। फरमाया जाअकुम रसूलुन, सारे अंबिया सुनो कि मैं अपने हबीब को तुम्हारी तरफ भेजूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा, मेरा मोहम्मद बादशाह तुम्हारे पास आएंगे। उस शरीफ वालों शुक्र करो को मौलवी नहीं था वहां पर, वरना वो अल्लाह से ही कह देता जी
ये तो सारे दुनिया छोड़कर चले गए होंगे जब आपने नबी पाक को भेजना है, आप इनको नबियों के पास कैसे भेजेंगे? जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। अल्लाह उम्र दराज करे, मेरा मजमा पहुंच चुका है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं मुस्तफा को तुम्हारे पास भेजूंगा, भाई जियो, मैं फिर कहना चाहता हूं, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं मुस्तफा को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो अल्लाह के लिए जरा भी मुश्किल नहीं था कि सारे नबियों को कब्रों में उठाकर मस्जिद अक्सा में इकट्ठा करके मुस्तफा की सवारी को भेजे। हाय, जिसे समझ आ गई है सुभान अल्लाह घर जाके कह ले। एक बंदा सो चुका है, यार मैं उसको क्या करूंगा भाई, हटाओ दो यार, एक दफा सारे मिलकर सुभान अल्लाह कहो यार। इसका मतलब है मेराज नजर आ गए इस आयत में से, आयत में से मेराज नजर आ गए। अब मैं आगे चलता हूं, इसका सबक क्या है, इसमें दर्स क्या है? अल्लाह फरमाता है लतुमिनुन्ना बिही, सारे नबी मुझसे वादा करो जिस दिन मुस्तफा की सवारी आएगी नौकरी कर लोगे मोहम्मद की। जियो, जिसे समझ आ रही है बात। चलो अब आप आलिमाना तर्जमा कर लें, ईमान लाओगे तुम मुस्तफा पर, वला तंसुरुन्ना, और जरूर मुस्तफा की मदद करोगे। तकरीर खत्म हो गई, इजाजत बख्शे मैं गुजरांवाला नहीं, जंग जाना है, मैंने जंग का सफर करूं मैं आपके दरमियान में से। आलम अरवा है, सारे नबियों की रूहें हैं, सदारत कुर्सी पर मुस्तफा हैं, अल्लाह वादा लेता हुआ फरमा रहा है नबियों तुमने मुस्तफा की मदद करनी है। अब पता चला कोई मौलवी वहां क्यों नहीं था, वो तो अल्लाह को कह देता अल्लाह तू अल्लाह हो के बंदों की मदद की बात कर रहा है। ठंडा बोल रहे हो जिसे कुरान की समझ आ गई, चुप कैसे बैठा हुआ? अच्छा, अब मेरा आप सबके साथ सवाल है कि जब अल्लाह ये वादा ले रहा था तो अल्लाह के इल्म में था कि जब नबी पाक जाएंगे, मेराज हो या मिलाद हो, जब भी मुस्तफा जमीन पर जाएंगे ये सारे नबी कब्रों में होंगे दो को निकालकर। जनाब ईसा और जकरिया को निकालकर सारे नबी कहां होंगे? कब्रों में। बोले नहीं सारे, नहीं बोले सारे, कहां होंगे? नहीं आवाज आई, कहां होंगे? अल्लाह के इल्म में था कि ये कब्रों में होंगे, था, फिर भी कह रहा है मदद करना। भाई बड़ा लंबा सफर है, आप चुप रह गए मौलाना, मैं कैसे बात आगे बढ़ाऊंगा। भाई अल्लाह के इल्म में था कि सारे नबी कब्रों में होंगे, था, फिर भी कहा कि मुस्तफा की मदद करना, करना, करना। अब भी हमें कोई कह सकता है ये ओच वाले पीरों की कब्र पे क्या लेने जाते हो, तन वाले कब्र पे क्या लेने जाते हो, लाहौर वाली कब्र पे क्या लेने जाते हो? कोई तो आयत उनके हाथ में पकड़ा के बताए हुए बंदे के पुत्र, बंदे अल्लाह वाले हो तो कब्र में भी जाके मदद कर लेते हैं। भाई जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है? नहीं नहीं, जिसे जी कुरान से जितनी मोहब्बत है मर्दों की तरह ऐसे सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं, अगर अब भी आपसे कोई कहे ये कैसा मेराज आपने सुना, आप तो कब्रों वालों की मदद को मानना शुरू हो गए, आप उनसे कहे आप नहीं मानते, अगर वो कहे मैं कब्र वालों की मदद नहीं मानता, उसे कहना मेराज की रात को समझो 50 नमाजें फर्ज हुई थी, मुस्तफा वापसी निकले तो एक कब्र वाला सामने आया, उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह कम करा ले, नबी फिर गए 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 फिर गए। आज हम 5 नमाजें पढ़ रहे हैं एक कब्र वाले की मदद से। अगर आप कब्रों वालों की मदद पर ईमान नहीं रखते तो हमें एतराज कोई नहीं, आप 50 नमाजें पढ़ा करो, 5 तो बनती उसकी है जो कब्रों वालों की मदद पर ईमान रखता। जाग रहे हो? मेराज समझो। कोई फकीर होता तो मेराज करवा के जाता, मलंग आदमी हूं नालायक सा बंदा हूं थोड़े समझ समझा वाली ये
माइक बंद करें ना आप, अब दोबारा नारा लगाएं। मैं देखो एक एक मिनट, एक बंदा चुप नजर आया मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर अली, सोने माही। आपको समझ आ रही है? तो बस मुझे आप इजाजत दें, बस मैं जाऊं। अब मुझे जाने दे, आपको समझ तो आ गई है। आहा, अच्छा देखिए, मुझे सूरह बकर याद आ रही है, दूसरा सूरह है, 53 नंबर आयत मेरे जहन में आई है। तो आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज वादना मूसा अरबाईना लैलतन। अभी मुझे बड़ा मजा आया, शाह जी किबला बड़े जुमले नलायक के पढ़ के गए हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मुझे उम्मीद हो रही थी शायद के मैं बख्शा जाऊं। वह इज वाद ना मूसा अरबाई ना लैलतन। मोहम्मद जी आपको याद है जी, वाह और इज आपको याद है? वाद ना मूसा अरबाई ना लैलतन, हमने जनाबे मूसा को तूर पर बुलाया था 40 रातों के लिए। मैंने कहा था ना कि अगर मैं लैलन पे बात करता तो दिन हो जाता, आप देख रहे हैं कि फिर रात आ गई है। अच्छा चलो अब छोड़ दें, अब आगे चलते हैं। 40 रातें मूसा तूर पर हैं। सुम्मत तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, कौम बछड़े की पूजा कर रही है, गां के पुत्र की पूजा कर रही है। अब एलान कुदरत है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ जाओ, अगर मेरी रहमत अपनी आई पर आ गई ना तो मैं बख्श दूंगा, पर मैं अल्लाह मुशरिक को माफी नहीं दूंगा। अल्लाह का ऐलान है, मैं मुशरिक को माफ ऊंची नहीं बोले, माफ नहीं करूंगा। अब अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, सुम अफौना आन कुम मिन बादी ज़ालिका, मूसा की कौम को मैंने माफ कर दिया, तू ते आखे मैं मुशरिका नु माफ नहीं करांगा, हुन तू आने पिया मैं मूसा दे मुरीदा नु माफ कर छड़े। अल्लाह फरमाते मैं ना करता अगर दरमियान में नबी के हाथ ना उठते। वाह मौला, तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें मनवाना चाहता हूं मूसा जैसा पैगंबर अगर मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठाए तो मैं माफी देने में देर ना करूं, मोहम्मद जैसे महबूब ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए हाथ उठाए तो कैसे। भाई जियो जिसे समझ आ गई है, क्या कहने। अच्छा अब अल्लाह का इरादा हुआ माफी देने का, अब माफी की कुछ शर्तें थी, वो सूरह बकर में 58 नंबर आयत में है। ये शाहजी मेरी ताईद करेंगे, मुझे देख रहे हैं, मैं ऊपर से देख के पढ़ रहा हूं। चार शर्तें अभी सामने आ जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जी परवरदिगार कौम को माफी लेके देनी है, जी मालिक माफ कर दे, तो फिर एक काम करो, जी मौला मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज कुल नदखुलू हाज़िहिल करियता, मोहम्मद जी आपको याद है? और श्री वालो अल्लाह की कसम, ये ड्रामा नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत का इदराक ही मेराज है। अल्लाह नबी से फरमा रहे, मोहम्मद जी आपको याद है जब हमने जनाबे मूसा से कहा था कि दूर एक गांव है और जाओ वहां पे, जाओ वहां अपने सारे मुरीद इकट्ठे करो और जाओ, जाओ ना। आज पता चला कुछ किराए लगाना भी गुनाहों की माफी का सबब बनते हैं। नहीं मैं समझा सका तो फिर कहता हूं, कुछ पेंडा भी गुनाह माफ करवांदा है, कुछ सफर भी गुनाह माफ करवाते हैं। ले बंदे पागल नहीं जेड़े रायवंड जाके उत्थे दुआ मंगन लई सारे टोर पैंदे ने, उन्होंने उत्थे लोटे लैके साफ लग गया कि उत्थे दुआ कबूल होएगी। असी भी पागल नहीं जेड़ा दाता साहब टोर पैंदे हैं, सानू भी साहब लग गया उसे दुआ कबूल होगी। अब जिसे समझ आई है वो सुभान अल्लाह सुबह कहे जाके, ठंडा बोलते ना मुझे तकलीफ होती है। अच्छा परवरदिगार पहली शर्त है जाओ, फिर फरमाया फकुलू मिनहा हाई सुशे तुम राका दन, फिर वहां जाके खूब खाओ पियो,
शाह जी पता चला कुछ लंगर भी गुनाह माफ करवाते। मर गए समझा समझा के गौस दा लंगर शिफा है, गौस दा लंगर शिफा है, गौस दा लंगर शिफा है। डांगा लेके साढ़े पीछे पै गए ने किथे लिखिया जी, इथे लिखिया है कुछ लंगर गुनाह माफ करवांदे। जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है। अच्छा परवरदिगार दूसरी शर्त है खाओ। अब तीसरी शर्त फरमाया वदखुलुल बाबा, वहां एक दरवाजा है उसमें दाखिल होना है लाइन बनाकर। जाना भी है खाना भी है ते अंदर भी जाने। अल्लाह उमर दराज करे आपकी। अच्छा एक मिनट जी जरा ठहरिएगा। मैं मेरे पास ना आज कुदरतन ये मौजूद है, अपने जमाने के मुजद्दिद हैं, अपने जमाने के मुफस्सिर हैं, अपने जमाने के मुहद्दिस हैं। 73 मरतबा जागते हुए मुस्तफा के चेहरे की जियारत की है इन्होंने। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती नाम है, किताब दुर्रे मंसूर उनकी तफसीर है। मुस्तफा बादशाह की बारगाह में शाहजी सहाबा आए हैं और आके पूछते हैं या रसूल अल्लाह मूसा की कौम से अगर इतना बड़ा गुनाह हो जाए तो अल्लाह ने एक दरवाजे से गुजारा था, अगर आपकी कौम से कोई गुनाह हो जाए तो कोई दरवाजा रखा गया है। मैं समझ गया नहीं जरूरत है, मैं समझ गया नहीं पढ़ना, मैं समझ गया ये बंदे जो खड़े हैं इनका कोई तलक नहीं है ना, जिसे जरूरत है वो मर्दों की तरह सुभान अल्लाह का हिजर। अब मौला अली फरमाते हैं जब बंदों ने पूछा ना कि या रसूल अल्लाह कोई दरवाजा, तो मुस्तफा ने मुर्तजा के चेहरे को देखा और फरमा लगे या अली अंत बाबे हिता, अली तेरा वजूद मेरी उम्मत में उसी दरवाजे की हैसियत रखता है। अब जो अबू बकर के जिक्र पर तड़पे हो अली के जिक्र पर भी ऐसे ही तड़पे ना यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ आ रही है जी। तो दरवाजा जाओ फिर खाओ फिर गुजरो। या अल्लाह कोई और शर्त तो नहीं फरमाया है ना, आप कहो तो मैं आगे पढूं। वदखुलुल बाबा सुजदन, फरमाया वहां झुक झुक कर गुजरो, सजदे करते हुए गुजरो। या अल्लाह लोहे का दरवाजा था, सोने का चांदी का हीरों का जवाहरात का दरवाजा था। बहावलपुर शहर के बहुत बड़े अल्लामा फैज अहमद ओवैसी साहब ने ये तर्जमा किया है रूहुल बयान का। अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं, ये मेरे सामने है भाई, ये जो दरवाजा था जहां अल्लाह ने उम्मत मूसा को भेजा था, लिखते हैं 7 दरवाजे थे बैतुल मकदस के, अल्लाह के अपने घर के 7 दरवाजे थे, लेकिन अल्लाह ने किसी एक भी अपने दरवाजे पर नहीं भेजा, उस दरवाजे पर भेजा जहां मूसा हारून और बनी इसराइल वाले 7 होकर इबादत में मगन रहते थे, वलियों की जाए नशिस्त थी, अल्लाह वाले वहां बैठे करते थे। अल्लाह फरमाया मेरे बंदो तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, तुम वली की कब्र के बारे में सोच रहे हो, मेरा वली तो जहां बैठकर उठ के चला जाए वो जगह भी गुनाह माफ कर रही है। जैसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है। वाह ये है मेराज का सबक, ये है मेराज का सबक। अच्छा अच्छा भाई गुजारिश ही है, एक सवाल आया है वेन में, अगर आप सवाल को सवाल फील करें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं जवाब कुरान से दूंगा। अगर आप समझे सवाल नहीं है तो फिर वक्त जाया ना कीजिएगा, फौरन आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। अच्छा भाई किथे भेजिए, शाबाश बेटा, उस दरवाजे पर जहां वलियों की जाए इबादत जाए नशिस्त थी, वलियां दी बहन आली जाते, इस तो आसान नहीं मैं कर सकता, पूरी 2 नंबरी पे करना सरायकी मारने च, तो हम बता गुजरा वाला भी सरायकी दा दे, ओ बच्चा है के थे, ए बच्चा की ना है तेरा इरशाद बेटा है, अल्लाह उम्र दराज करे बड़ी देर दा मेरे ना गल्ला पे कर दे, अल्लाह दी कसम कोई समझ नहीं आई उनमें, हाँ हूं करी गया वहां दाद में दे गया पुत्र, ठीक है जो तू आना वही ठीक है। तो गुजारिश ये है, मिन्नत ये है कि नबी की मौजूदगी में वलियों की जाए नशिस्त पर भेजना
अब ये दरवाजा जो भी था नबी से अफजल तो नहीं था, अफजल नबी थे हजरत मूसा पाक, तो फिर वसीला मूसा पाक का होना चाहिए ना। मूसा की मौजूदगी में दरवाजे पे क्यों भेजा अल्लाह ने? अच्छा नहीं, सवाल है, ठीक है रहने देते, नहीं है, है? क्या है, क्या सवाल है? शाबाश, अल्लाह के नबी की मौजूदगी के बावजूद अल्लाह वलियों की जाय नशिस्त पर भेज रहा है अल्लाह, क्यों? जवाब सूरह आराफ में है, सातवां सूरह है, 134 नंबर आयत है, 135 नंबर आयत है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फअरसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुमला वद्दफा दिया वद्दम्मा आयाति मुफस्सलाती, फअरसलना हमने भेजा, हम कौन है? दुख बड़ा लगा तुसी अल्लाह नहीं कह सके, उची आखो अल्लाह, बार वाले कुर्सियां वाले खड़े हो साहब आखो अल्लाह, हम सुनो, फअरसलना हम, शाह जी हमने भेजा अल्लाह ने, अलैहिम तूफाना फिरौन और उसके मानने वालों पर तूफान, वल जरादा और टिड्डियां, वल कुम्मला और जुए, वद्दफा दिया और मेंढक, वद्दम्मा और खून, आयातिम मुफस्सलाती निशानियां हैं मेरे जलाल की खुली खुली, फस तक बारू तकबर किया उन्होंने फिर भी अकड़ता रहा, सारे अकड़े ले तू जलाले चाहे तो वो अकड़ गए, मरे क्यों ना, लै सी गुजरा वाला पहलवाना दा शहर असी बंदा मार के बाद ही सोचने की होया, तू अल्लाह हो क्या ने, मैं जलाले चाहिया मैं अजाब कर लिया थी वो आकड़ देने, वो बच किवें गए? मालिक फरमांदा है अगली आयत पढ़ो, शाह जी वल्लम्मा वका अलैहिमुर रिजरु, वल्लम्मा वका अलैहिमुर रिजरु, जब भी उन पर कोई अजाब वाके होता, जदों मैं उन्हें कोई अजाब कलदा, जदों फिरौन वेंदा के मर जांगे बचन नहीं लगे, सारी कौम इकट्ठा करके आंदा बचना जे, उन्हें आखना बचा लै नबी दे बूहे ते जाना पैना। अच्छा परवरदिगार फिर सबको इकट्ठा करके नबी के पास आ गया, तक कालू या मूसा या मूसा या मूसा, एवें बंदे साडे नाल नाराज ने मसीते या मुहम्मद क्यों लिखाया जे, बंदा फिरौन भी होवे ते या नबी कह के बचदा पिया, ठंडा बोल रहे हो? अच्छा नहीं मैं रोक नहीं सकता, ये उदार कर ले फिर कभी बात होगी, या मूसा उदउ लना रब्बका, ए मूसा अल्लाह से दुआ मांगो हमारे लिए, मूसा तू हाथ ना चुके ते असी मर जांगे। फिरौन अपनी सारी कौम के, सुमरो साहब सुमरो साहब इधर आए मेरी बात सुने, इधर आए उर्दू पढ़ के मुझे सुना दें, ल इन कशफ्ता अन्न रिज़ा, अगर अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे, ठीक है इसको फिर पढ़े, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे, फिर पढ़े अगर तुम, अब ये माइक ले, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे, अल्लाह कहते हैं अजाब मैंने भेजा, फिरौन मूसा से कहते हैं नबी अल्लाह ने पकड़ लिया छुड़ाना तूने है, क्या बात क्या बात क्या बात, नहीं मैं आगे नहीं चल सकता। फिरौन मूसा पाक से कहते हैं नबी खुदा अल्लाह फड़ ले है छुड़ाना तुसाए, मैं सारी जिंदगी मिंबर पर नहीं आऊंगा, अगर कोई आलिम के गलत पढ़ के गए शाह साहब मैं कभी नहीं मिंबर पर आऊंगा, नबी अल्लाह ने फिरौन को पकड़ा जलाल में आके, उसने नबी से आके कहा है उन्हें फड़ ले छुड़ाना तू है,
कुरान आगे नफी नहीं करता, ये गलत कह रहा है, ये बात गलत है, मेरा पकड़ा कोई नहीं छुड़ा सकता। कुरान आगे चुप रहकर बता रहा है, जमाने वालों बंदा बेगैरत है, बात सच्ची कर रहा है। अगर अल्लाह फिरौन को भी पकड़ ले तो नबी छुड़ा सकता है। भाई बोलो तो जिसे समझ आई है बात की। नहीं, हम अगर कहें कि अल्लाह दे पकड़े छुड़ा ले मुहम्मद, डांगा लेके साढ़े पीछे चढ़ देने की थे लिखे, और अगर मूसा फिरौन को छुड़ा सकता है तो मुहम्मद उम्मती को नहीं छुड़ा सकते। भाई बोलो ना जिसे कुरान की समझ आ रही है, जिसे कुरान से जितना प्यार है, मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो बैठ। मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं आलिम तो हूं नहीं ना फाजिल हूं। अब मैं यावली मार जाऊं तो मुझे कोई फतवे की जद में ना लाना। अल्लाह का डेरा था बैतुल मकदस में। मैं मानता हूं अल्लाह ला मकान है, किसी मकान में नहीं आता, लेकिन अल्लाह का फैज जारी था, सारे नबी उसी की तरफ सजदा कर रहे थे। अल्लाह का डेरा था बैतुल मकदस में। बैतुल मुकद्दस या बैतुल मकदस जिसे कहते हो, किबला अव्वल जिसे कहते हो। अब किसी महबूब के कहने पर मुहिबों ने डेरे नहीं कभी बदले, लेकिन सारी दुनिया के आलिम भी इकट्ठे हो जाए तो ये जुमला जुबान से निकला हुआ नबी की जुबान पाक से नहीं दिखा सकते कि मुस्तफा करीम ने जुबान से कहा था अल्लाह अपना डेरा बदल दे। सारे कहेंगे नहीं, कुरान की नस है, पलक हिली थी पलक, पलक हिली थी पलक, नरात कल्लू बाबा जी के फिर समा, पलक हिलने पर जो अल्लाह, मोहम्मद की पलक हिलने पर जो अल्लाह अपना डेरा बदल देता है, जन्नत भी डेरा है, जहन्नुम भी डेरा है, और जो अल्लाह अपना बदल देता है वो मुस्तफा की जुबान के कहने पर उम्मतियों का नहीं बदलने वाला। यार भाई बोलो तो जिसे जितनी समझ आ रही है। तो यही तो समझाना चाहता हूं कि मेराज को समझो तो सही। फारसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दमा आयाति बुफसल आती। आप चुप है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। जुमले आगे आने दें, क्या हो गया आप ये दिल में कहते रहे, आप तस्बीह करें बैठकर। कितना हो गया? और कारी नवीद चिश्ती साहब किधर गए हैं? कितना हो गया? कितनी होगी रिकॉर्डिंग? अब जाऊं, काफी वक्त हो गया हैं। बिस्मिल्लाह, आपने क्यों तकलीफ की इतनी दूर से आके? टिड्डियां आई। अच्छा भाई, नौ दफा अजाब आए, कितनी दफा? अच्छा भी बोले नहीं, कितनी दफा? नौ दफा फिरौन आया, नौ दफा मूसा छुड़ाया, और फिरौन की, फिरौन का यानी फिरौन का क्लेम ये था, लनुमिनन्ना लक, अगर आप हमें छुड़ा लें तो हम मोमिन हो जाएंगे। आए हाय, अगर आप हमें छुड़ा लें तो हम मोमिन हो जाएंगे। मुझे आगे देख लेंगे, वलनुरसी लन्ना मा का बनी इसराइला, हम आपके मुरीदों के साथ हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे अगर आप हमें छुड़ा लें। अगर आप हमें छुड़ा लें तो हम मुरीद हो जाएंगे। अगर आप हमें छुड़ा लें तो हम मुरीद हो जाएंगे। कारी नवीद साहब जो ये शर्त रखे ना, अगर आप ऐसे करें हम मुरीद होंगे, उसे कुरान फिरौन कहता है। मेरा मुरीद फस गया ना, हुन मैं उन्हें दसना ते है ना कि जेड़ा ए आखे ना शाजी जे इंज करोगे ते मुरीद होवांगे, उसी को कुरान फिरौन कहता है। खसमा नु खाओ नहीं हुंदा साडे कोलों कुछ भी, मुरीद होना ते मुरीद होवो, शर्तां ला के फिरौन क्यों होंदे हो पए आ? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा अच्छा, नौ दफा अजाब है, कितनी दफा है? आप बोर तो नहीं हो रहे? थक तो नहीं गए? घबरा तो नहीं गए? हाथ खड़े करो जेडे थक गए हो। नहीं, सारे मजमे आख्या सी थक गया, चलो चलिए। मैं पूछे हाथ खड़े करो जेडे थक गए हो। किताब करें, आप बैठे हैं ना, सुबह की नमाज यहीं पढ़ेंगे, जनाजे का ऐलान बाद में होगा।
फिर जिसम वापस गुजरां टोरोगे इतने दफन करोगे अगे पीर दिए गद्दियां दे बड़े रौले ने मेरा भी मुंडा इतने आके लड़ता रहे अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे हमेशा मुस्कुराते रहे इतना मुस्कुराएं इतना हुजूर के मेराज के जश्न में आए हैं इतना मुस्कुराएं इतना मुस्कुराएं इतना मुस्कुराएं इतना मुस्कुराएं इतना मुस्कुराएं रूह निकले तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए बंदे हमें गुसल देते हुए कहें उनके जिक्र में भी मुस्कुराता था आज मिलने जा रहा है फिर मुस्कुराता जा रहा है तो 9 दफा अजाब आया कितनी दफा 9 दफा फिरौन आया 9 दफा उसने कहा हम मुरीद हो जाएंगे 9 दफा नहीं हुआ 9 दफा मूसा ने दुआ मांगी है 2 दफा को बंदा हमारे साथ फ्रॉड लगा सकता है 3री दफा हम नहीं उसकी सुनते लेकिन कमाल नबी है 9 दफा फिरौन कोई नऊज बिल्ला जनाब मूसा पाक का मामू का पुत्र थोड़ी था फिरौन भाई दुश्मन जान था वो दुश्मन ईमान था वो दुश्मन तौहीद था वो दुश्मन नबूवत और रिसालत था वो उलूहियत का दावा कर हुआ था बंदों को शहीदा करवा रहा था इतना नालायक आदमी जनाब मूसा के घर आता है 9 दफा और तकलीफ में आता है मुसीबत में आता है परेशानी में आता है उस पर अजाब आया हुआ है इस कैफियत में आया है अब तो फंसा हुआ है मूसा पाक को तो चाहिए उसके सारे पिछले वैर कटे उसे उसके सारे पिछले करतूतों का बदला लिया जाए उनसे लेकिन मूसा 9 दफा दुआ मांग रहे हैं मेरा ईमान है अगर 50 दफा भी आता तो मूसा 50 दफा दुआ मांगकर बताते ओए कयामत तक मुहम्मद वालों सुन लो बंदा जब अल्लाह वाला हो जाए उसकी निशानी ये हुआ करती है जानी दुश्मन पर भी मुसीबत आ जाए वो घर आ जाए तो बदले नहीं लिया करते उसकी मदद किया करते हैं जिसे कोई सबक मिला है वो सुभान अल्लाह अभी कहो बैठकर ये है मेराज ये क्या है ये मेराज बयान हो रहा और मेराज का एक सबक अच्छा भाई मेरी बात सुने मेरे पास नहीं है इस वक्त कंजुल ईमान आप अंदर से कंजुल ईमान ले आए या मेरी गारंटी तालिबे इल्माना जिम्मेदारी पर आप सुबह जाके अपने घरों में कुरान खोलें कंजुल ईमान खोलें आला हजरत का ट्रांसलेशन हो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर हो अगर ये जुमले उसमें ना लिखे हों मुझे टेलीफोन पर किबला सोमरो साहब बता दें कि बाबा जी आपने रात जो क्लेम किया है वो गलत हो गया मैं ऐलान करता हूं मैं सारी जिंदगी मिंबर रसूल छोड़ दूंगा कभी मिंबर पर आप मुझे पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे लिखते हैं कि ये टिड्डियां ये जुए ये मेंढक ये घिन का कीड़ा ये सारा कुछ फिरौन के मानने वालों के घर में आता था और फिरौन के मानने वालों के घर जनाबे मूसा के मानने वालों के घरों के साथ मुत्तसिल थे कोई बात नहीं जी ठहरो रुक जाओ मैं समझ गया आसान कर लेते हैं भाई ये गल नहीं सी कि फिरौन ने कोई सोसाइटी कटी सी ते वो अलग किसी सोसाइटी च रहिंदा सी ते हजरत मूसा पुराने पिंडे च अपने मुरीदा नाल रहिंदे सन नहीं मुफस्सरीन कहते हैं मूसा पाक के मानने वाले और फिरौन के मानने वालों के घर मुत्तसिल थे कंध नल कंध सांझी सी खरबा टिड्डियां फिरौन दे मन नाले दे घर दियां दीवारां टिड्डियां नल भरियां छत्तां टिड्डियां नल भरियां बिस्तर टिड्डियां नल भरे कपड़े टिड्डियां नल भरे हांडियां टिड्डियां नल भरे पानी टिड्डी टिड्डियां नल खाना टिड्डियां नल अब आपके कुरान में ये ना जुमला हो तो मैं मुजरिम हूं आप सबका मेरी जुबान काट कर तली पे रख दे मैं माफीनामे पर साइन कर दूंगा लिखते हैं एक भी टिड्डी गलती नल भी मूसा दे मुरीदी कानते भी नहीं बहिंदी एक भी मेंढक गलती नाल मूसा दे मुरीद दे बूवे ते भी नहीं जांदा एक भी जू गलती नाल मूसा दे मुरीद दी कान ते भी नहीं जांदी तुसी क्यों चुप बैठे हो यार अच्छा वो खून पानी मूसा दा मुरीद पानी पींदा है ते पानी है फिरौन दा मन वाला ओदे पानी नु हथ लांदा है ते खून है
یار فرق کیا تھا موسیٰ کے ماننے والے اور فرعون کے ماننے والے میں؟ میرے سردارو، میرے صاحبو، ان میں جو فرق تھا نا اسے ایمان کہتے ہیں. کس چیز کا فرق تھا؟ ایمان کا. سارے بولو ذرا. اچھا ایمان کا فرق تھا، فقط ایمان کا فرق تھا. اچھا اب اگر کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسانی عقل بھی بیماری کو پکڑتی ہے. مثلا حکیم لوگ جو ہیں وہ بندے کا چہرہ دے کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا لیور کام نہیں کر رہا، رنگ پس ہے، آنکھیں پیلی ہیں اس کی، اس کو جو ہے وہ یرکان ہو گیا ہے. یہ عقل ہے نا. آپ کے چہرے پر سرخی ہے، ناک آپ کا سرخ ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، درجہ حرارت آپ کے جسم کا تیز ہے. حکیم کی عقل چیک کر لیتی ہے کہ اسے بخار ہے اور ملیریا ہو گیا ہے اور ساتھ جو ہے زکام ہو گیا ہے. یا آپ کے سانس میں سے آواز آ رہی ہے تو حکیم کی عقل کہہ دیتی ہے اس کو ریسپریٹری انفیکشن ہو گیا ہے، اس کے سانس میں سے آواز آ رہی ہے اس کو استھما ہو گیا ہے. یعنی عقل کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے. بھائی آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں یہ سفید ہے، یہ کریم کلر کا ہے، یہ سرخ ہے، یہ بلیک ہے. یہ آنکھیں بھی آپ کو کچھ بتاتی ہیں، آنکھ بھی پکڑ لیتی ہے. اچھا بھائی آپ کے کان بتا دیں گے کہ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، کچھ جذبات ہو رہی ہے، یا آسان ہے، یا میٹھا ہے، یا ٹھنڈے. آپ کی زبان آپ کو بتا دے گی کہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے. آپ کا ناک آپ کو بتا دے گا کہ تازہ ہے، باسی ہے، خوشبودار ہے، بدبودار ہے. آپ کے ہاتھ آپ کو بتا دے گے کہ سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے. بھائی ہاتھ بھی بتاتے ہیں، زبان بھی بتاتی ہے، عقل بھی بتاتی ہے، کان بھی پکڑتے ہیں، زبان بھی پکڑتی ہے، ناک بھی پکڑتی ہے. لیکن سورہ مجادلہ کو پڑھ لیں، 58 نمبر سورہ ہے، اور 22 نمبر آیت کو لے لیں، اور آخری آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان تو ہوتا ہے دل میں، نہ آنکھ سے دیکھا جائے، نہ زبان سے ٹیسٹ کیا جائے، نہ کان سے سنا جائے، نہ عقل سے پکڑا جائے، نہ ہاتھ کے قابو آئے. جسے عقل نہیں پکڑ سکتی، یہ ٹڈیوں کو کیسے پتا چل رہا تھا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے؟ بھائی ٹھنڈا بول رہا میں کیسے بات کروں آپ کے ساتھ؟ یہ اتنا بڑا علم مینڈک کو کیسے ہو گیا دل والی باتوں کا علم؟ بھائی نہیں میں نہیں. اچھا چلو کوئی، آپ ٹھنڈے رہ گئے، مجھے یہاں پہ قدرتن میرے ساتھ ہے آج یہ سورہ فیل کھول لیں. ثناء اللہ پانی پتی ہیں، یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری ہے. شاہ جی یہ لکھتے ہیں کہ وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے جو ابابیل بھیجے تھے نا، انہوں نے زمین سے آ کے پتھر ہی وہ اٹھائے تھے جن پتھروں پر ہاتھی والوں کے نام لکھے تھے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں میرے سردار؟ نہیں میں نہیں پڑھوں گا اگر آپ اتنا ٹھنڈا بولیں گے تو. اچھا پھر ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ وہ پتھر، وہ ابابیل وہ پتھر ان بندوں کے سر پر لے کے جاتے تھے جس کا نام ابابیل کے ہاتھ میں آیا ہے. یہ ابابیل کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہ مینڈک کہاں سے فاضل ہوئے؟ یہ ٹڈیاں کس یونیورسٹی سے پڑھی تھی؟ ان جوڑوں کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اب مجھے اجازت دے تو میں قرآن سے جواب لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فارسلنا وارسل علیہم، میرے بھیجے ہوئے تھے، میرے بھیجے ہوئے تھے، میرے بھیجے ہوئے تھے، میرے بھیجے ہوئے تھے. اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بندوں میرے بھیجے ہوئے، اگر مینڈکوں کو اتنا علم ہے، ابابیلوں کو اتنا علم ہے تو میرے بھیجے ہوئے محمد کے علم پر شک کر رہے ہو. اللہ اکبر، سب دیکھیں اللہ عمر دراز کرے، آپ برکت دے، آپ کی سارا ٹبر مدینے چلا جائے. آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کو؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. بھائی پھر ولیوں کو نہیں چھوڑنا. دیکھو پھر ولیوں کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس قرآن و حدیث کی تو پھر ولیوں کے آستانوں کو نہیں چھوڑنا.
ولیوں کے آستانوں کو. یہ معراج کا آج سبق ہے, اللہ والوں کے مزارات کو نہیں چھوڑنا. چلو ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے, آ یہ بابا فرید چینل چل رہا ہے, یہ بات پوری دنیا تک جاتی ہے, پورے ورلڈ تک بات جاتی ہے. سارا داتا علی حجویری کا آستانہ شرک کا اڈہ ہے. لاہور میں اگر آپ کو کہیں سے بے حیا عورت نہ ملے تو داتا صاحب سے مل جائے گی. مجھے معاف کیجئے گا, ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ, مجھے قرآن پڑھنا ہے آگے. جی آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ سارا داتا صاحب بے حیائی کٹ ہے, اور کلپ کٹ کے نہ کوئی بے حیا انج کر لوے میری گل پوری لئی جائے. مطلب کل کلپ کٹیا ہوئے باورا شاورا نے گل آخی ہے داتا صاحب شرک دا اڈا ہے تے او اپنا زنا دا اڈا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ داتا حضور کا سارا آستانہ زنا کا اڈا ہے اور شرک کا اڈا ہے. اب کوئی آپ سے کہے گا عقل مند آدمی, میں اپنی بیوی کو وہاں پہ کیسے لے کے جاؤں, میں اپنی اولاد کو وہاں پہ کیسے لے کے جاؤں جو شرک کا اڈا ہے؟ میں تو نہیں جاؤں گا. پاک وطن میں چلے جائے سارے قبر پرست کٹھے ہیں, میں تو نہیں جاؤں گا. او شریف میں آ جائیں شاہ صاحب کی قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں, ہم تو نہیں جائیں گے ان زنا کے اڈوں پر اور ان شرک کے اڈوں پر. یہ سرخ پوش بخاری بادشاہ کے آستانے پر چلے جائیں سارا شرک کا اڈا ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. پاک پتن سارا شرک کا اڈا ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. بابا چنن پیر سرکار شرک کا اڈا ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. محکم دین سرانی سائیں شرک کا اڈا ہے, ہم تو نہیں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے قرآن کھولنے دے. نہیں کھولنا پھر اس طرح تو نہیں ہوئے گی نا گل یار. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. ادھر بزرگ عالی مجھے سن رہے ہیں, نوجوان سکالر مجھے سن رہے ہیں, جو میں نے ابھی تفسیر کھولی ہے یہ صوفیانہ مشرب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عماد الدین ابن کثیر ابن تیمیہ کے, یعنی آپ سمجھے ابن تیمیہ کی کاپی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ تفسیر ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی نمائندہ تفسیر ہے. صوفیانہ تفسیر کا اس کے ساتھ, صوفیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ قرآن کی تفسیر ہے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ ہے, دوسرا سورہ ہے, 158 نمبر آیت ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. جب تم عمرہ کرو یا حج کرو تم پر حرج نہیں ہے کہ چکر لگاؤ صفا اور مروہ کی, تم پہ گناہ نہیں کہ صفا اور مروہ پر چکر لگاؤ. یہ الفاظ کیوں آئے کہ تم پر گناہ نہیں کہ صفا مروہ پر چکر لگاؤ؟ کیوں آئے یہ الفاظ کہ صفا مروہ پر چکر لگانا گناہ نہیں تم پر, یہ کیوں آئے؟ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں بات یہ ہے, ایک بت تھا نائلہ نامی اور ایک بت تھا آصاف نامی. آصاف مرد تھا, نائلہ عورت تھی. ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی, زنا کیا, پتھر ہو گئے دونوں بدکاری کی وجہ سے. ان دونوں کو صفا اور مروہ پر لٹکا دیا گیا پتھروں کو. استلام کرتے تھے وہاں کے لوگ, یعنی چھتر مارتے تھے اس کو, ان دونوں کو جوتیاں مارتے تھے, اسے استلام کہتے ہیں. استلام کرتے تھے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت تک وہ استلام عبادت میں بدل چکا تھا, اب لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. اب صحابہ نے سوچا کہ یہ زنا والے اور یہ پتھر اور بت, یہاں تو ہم نے نہیں جانا, اللہ نے آیت نازل کی, اسے نہیں چھوڑنا, اس پہ صحیح کرنی ہے, اس پر دوڑ لگانی ہے, یہ حاجرہ کی ادا نہیں چھوڑنی. اب قیامت تک کے لیے میری دعوت ہے جو یہ کہے کہ ولیوں کے آستانوں پر زنا ہے اور شرک ہے, ہم نے اس لیے وہاں نہیں جانا. او شریف میں ہم نہیں جائیں گے کہ وہاں شرک ہے وہاں زنا کے اڈے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. میں انہیں دعوت دوں گا, تم اللہ کا گھر چھوڑ دو, تم بیت اللہ چھوڑ دو,
तुम खाना काबा छोड़ दो, इसलिए कि उधर बदकारी भी हुई और शिर्क भी हुआ, तो छोड़ दो, अब हमें सफाई देंगे। नहीं, अल्लाह का घर तो नहीं छोड़ा जाता ना, अल्लाह का घर तो नहीं ना छोड़ा जाता ना, अल्लाह का घर हम शिर्क के खिलाफ हो जाएंगे, जना के खिलाफ हो जाएंगे, बैतुल्ला तो नहीं ना छोड़ेंगे। तो यही मेरा जवाब है, हम भी जना के खिलाफ है, शिर्क के खिलाफ है, वली अल्लाह तो नहीं ना छोड़ा जा सकता। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की, जिसे जवाब मिला, मर्दों की तरह सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अच्छा वो बात तो फिर उधर ही रह गई यार, नबी की मौजूदगी में, नबी की मौजूदगी में वलियों की जाय नशिस्त पर वसीला बनाना, नबी का वसीला होना चाहिए था। अल्लाह ने सूरह आराफ की 134 नंबर आयत में जवाब दिया, ओए मेरे बंदो, नबी को वसीला तो फिरौन भी मान गया। ठंडा बोले, ओ नबी को वसीला तो फिरौन भी मान गया। अब नबी की उम्मत को नबी के साथ वलियों की जाय नशिस्त पर इसलिए भेज रहा हूं ताकि जमाने को समझ आ जाए, नबी तो वसीला है ही है, वलियों की जाय नशिस्त को वसीला बनाना भी सुन्नत से साबित हो गया है। सुबहान अल्लज़ी अश्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप चुप हैं। तो ये हुजूर का मेराज फकत मुस्तफा के 2 घंटे अकले इंसानी से बाहर हैं। जिस नबी के 2 घंटे नहीं बंदों को समझ आए, उस अकल में पूरे मोहम्मद कैसे आ जाएं। आज मेरे रफीके सफर हाफज याकूब रजा अब्दशबाज रजा याकूबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे ईमान को मजीद ताज़ा करें। आए जी, तशरीफ लाएं। अब इसको इको वगैरह खोलो यार।